इजी कुकिंग भाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी थोड़ा स्वागत है। आज अभी कणक के आटे की हाथ से रोटी बनावेंगे, यानी कि चकला और वेलना यूज़ नहीं करेंगे, इंज ही रोटी बनावेंगे। जे यदि रैसपी तुहानू अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, नाल ही साडा चैनल जे हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी प्लीज़ कर देना, तो बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि साडे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो हुण इहनू बनाने वास्ते वैसे जरूरत तो सिर्फ एक आटा सी गुन के रखा हुआ, ना ये सख्त है तो ना ये ज़्यादा टाइट है, ना सख्त है तो ना ज़्यादा ढिला है, नॉर्मल असी गुन के रखे हुआ। तो बस असी पेड़ा ही लेना, तो इन असी घी वैसे रखे हुए जैसे हाथ घी के हाथ लाने की जरूरत पई तो थोड़ा जहा घी हाथ से लगा लवेंगे, तो बस चकले वेलने की जरूरत नहीं है, हाथ से ही असी ये बनावेंगे। नॉर्मल जैसे पेड़ा लवेंगे, देखो जी असी हाथ थोड़े जे ऑयली कर लेने घ्यो नाल। हाँ देखो जी असी इत चकला वेलना ले लेना, हाँ देखो जी असी पेड़ा ले लिया, हूँ असी इनू रोटी बनानी शुरू करते हैं। बस हाँ देखो जी इस तरह इन घुमाई जाना, उत्तों उत्तों घुमाई जाना, रोटी अपने आप गोल गोल होके वड्डी होती जाएगी। हाँ देखो जी पतली कर लो तंदूरी रोटी बनती है, मोटी मोटी बनती है, तंदूर की तरह लगती है, थोड़ा जहा तवा ऑयली कर लेना। असी हाँ देखो बहुत अच्छी और देखो गोल बनी है, कोई भी समस्या नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा चकला वेलने ते ही बनानी है, बगैर भी रोटी बन सकती है। जब वो साइड तो पक जाएगी असी यदा पासा पलट देंगे, तो इन द मेन टाइम देखो जी दूसरा पेड़ा साडा तैयार हो गया। इस तरह असी देखो आ देखो जी आ देखो तरीका, उत्तों असी पकड़ के ना इस तरह इनू गोल करी जाना, तो ये वड्डी हो जाएगी। जो इन्नी क वड्डी हो जाएगी छंडी जा सके तो उस तो बाद हाथ से छंड दो, तो यह यदि गोल रोटी वड्डी हो जाती है। एक साइड से पक गया, तेन असी उल्टा कर देना, जो तो उधरों ब्राउन हो गया तो उधरों पासा असी पलट देंगे। हाँ देखो इस तरह असी घुमाई जानी ताकि सारी तरफ तो बराबर ब्राउन हो थल्यों। वो देखो जी उस साइड से पूरी ब्राउन हो गई सी, ये असी पासा पलटता, हूँ असी हाथ नाल ही कर लेनी है। देखो जी वो भी रोटी इस तरह असी देखो इनू हिलाई जाना, थोड़ा दबाई जाना तो उधरों पक जाएगी। हाँ देखो दूसरी रोटी इस तरह ही, पहले उन्हें गोल गोल घुमा के किया, उस हाथ से छंड के तो ये होगी। देखो जी बहुत ही आसान है, बहुत ईजी बनानी इस तरह, और ये रोटी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता क्योंकि थोड़ी बड़ी तंदूर वर्ग का टेस्ट होता, थोड़ी मोटी मोटी बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल तैयार है साड़ी, आदमी इधरों भी तैयार है तो उधरों भी तैयार है, परले पासों भी आज कोई इस तरह दूसरी रोटी असी पा, इस तरह असी सारी रोटियां इस तरह ही असी बनानी ने। आ देखो जी उधरों पके, इधरों असी पलटता, तो उधरों असी दूसरी रोटी का पेड़ा असी तैयार करके, देखो इस तरह घुमा जाना है, छंडी गई रोटी फर्स्ट क्लास गोल बन गई। देखो ये रोटी असी इधरों थोड़ी जी कच्ची उतारी है, इनू असी गैस से करके दिखाने, दूसरे तरीके असी इनू गैस से भी कर सकते हैं। देखो जी तंदूरी रोटी बनेगी, ऐसा करोगे आ देखो गैस से इनू कर लो, बहुत सोहनी है, चिमटे नाल भी हाथ नाल नहीं कर सकते। ये देखो जी इधरों पक गई, तेनू पलट देना, इनू चिमटे नाल पकड़ के भी करा कर दो, देखो वो नाल भी कर सकते हैं, हाथ नाल भी कर सकते हो,
ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਤੇ ਜੋ ਬਸ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ ਗੈਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਚੀ ਜੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਆਹ ਖਾਣ ਚ ਤੰਦੂਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਔਰ ਇਹ ਫੋਲਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸੌਫਟ ਬਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਸੌਫਟ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਔਰ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਓਇਲੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਟਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਿਪਕੇ ਗਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿਪਕੇ ਗਾਣੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਗੁੰਨੇ ਆਟਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਿਪਕਦਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵੀ ਓਇਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣੇਗੀ ਰੋਟੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਚਿਪਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਹੱਥ ਓਇਲੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿਪਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਟਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਹਾਂ ਤੋ ਕਹੋ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੱਕਲੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ